चले सो नाउ वी विल गो एंड मेक व्हाट, क्योंकि इतना कुछ आपका बुक में है नहीं है। अगर आप फिर भी सोचते हो कि हम पढ़ाएंगे तो वक्त तो देना पड़ेगा ना आप लोग को। अब मैं कोई मैजिशियन थोड़ी हूँ कि करके पढ़ा दूंगा। एंड प्लीज माइंड इट, अदर देन मैंने हमारा स्कूल और किसी का अभी तक नीट रिजल्ट ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ, तो आप सोच लो, समझ रहे हो? तो दैट इज व्हाई क्या इम्पोर्टेंस है जेजेएस का, आप समझ सकते हैं। चलिए, सो इसीलिए आप जो पहला एग्जांपल हम लोग स्टेरॉइड्स का करेंगे, एक्चुअली एग्जांपल ऑफ स्टेरॉइड्स, ठीक है? तो एग्जांपल्स ऑफ स्टेरॉइड में सबसे हम पहला लेंगे क्या, आपका प्यारा हमारा न्यारा कोलेस्टेरॉल, ठीक है? तो दिस इज कॉल्ड कोलेस्टेरॉल नाउ, ओके? इसका जो नंबरिंग है C27H45OH, ओके? OH, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है नाउ, ओके? सो याद रखेंगे इट It is only found in animals, ठीक है? या इसको हम लोग एनिमल स्टेरॉल्स बोलते हैं, ठीक है? एनिमल स्टेरॉल्स, ठीक है? अब उसका मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, तो आप देख लीजिए। मैं दिखा सकता था, बट अगर मैं बना लूंगा तो आपको भरोसा होगा कि हम बना सकते हैं। तो ये आपका ए रिंग, बी रिंग है, ये सेम प्लेन में होता है, सी रिंग ऊपर होता है एंड उसी के साथ होता है आपका साइक्लोपेंटेन रिंग, ओके? नाउ ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ओके? अब इसमें कुछ ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, तो अब यहां आता है CH3, तो ये 18th कार्बन है, यहां आएगा CH3, ये 19th कार्बन है, फिर इसके साथ हम जोड़ेंगे एक लंबा सा फाइटल चेन, तो समझ रहे हो? तो ये 19 हो गया, इसका नंबर है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया? सो दिस इज योर क्या बोलो, दिस इज कॉल्ड आपका प्यारा हमारा न्यारा कोलेस्टेरॉल, ठीक है? नाउ अब ये जो कोलेस्ट्रॉल हम लोग देख रहे हैं, ये बहुत अलग अलग तरह का फंक्शन करने में मदद करता है, ओके? तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका फंक्शंस लिखेंगे, ठीक है? तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल लिखेंगे। चलिए अब हम लोग इधर एक डबल बॉन्ड बना देंगे, तो अब आप यहां देखिए इसमें कोई डिलीशन नहीं है, इज देयर एनी डिलीशन हियर? देखो माने रिंग से कोई डिलीशन हुआ क्या? नो सर, सब जुड़ा हुआ है, बट हमने एडिशन किया, एक डबल बॉन्ड इधर ऐड किया, थ्री पोजीशन पे एक OH ऐड किया एंड 17 पोजीशन में फाइटॉल रिंग, इसको हम लोग फाइटॉल रिंग बोलते हैं, ओके? फाइटॉल रिंग, फाइटॉल रिंग एंड 17th एंड 18th पोजीशन, 18th एंड 19th पोजीशन में हमने एक एक मिथाइल ग्रुप लगाया है, कोई शक? तो ये है आपका कोलेस्टेरॉल, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल में इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता है,
कोलेस्ट्रॉल है ना, HDL, इसको मिटा दे। चलिए तो हो गया, तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है। तो अब फंक्शन क्या है कोलेस्ट्रॉल का? सो अब हम लोग लिखेंगे functions of cholesterol. So one, it is an active component of the cell membranes. ठीक है, तो ये cell membranes का एक active component है। Active component मतलब उसका वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट्स है सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, तापर नंबर टू लिख देंगे इधर, इट हेल्प्स इन, तो इधर लिख देंगे सिंथेसिस ऑफ गोनाडियल एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो गोनाडियल, गोनाडियल का मतलब क्या होता है? टेस्टिस ओवरी। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है? सिंथेसिस ऑफ बाइल, ओके, बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट्स। ओके, ये भी उसका फंक्शन है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन क्या है बोलिए? सिंथेसिस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स। उसमें मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, एक्चुअली कलर चेंज करेंगे तो इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। ओके, इन ह्यूमन स्किन 7-dehydrocholesterol is present. Okay, 7-dehydrocholesterol is present. कौन लगा तू? It is क्या? तो 7-dehydrocholesterol is present. It is if it is acted upon by sunlight, तो क्या होगा? Synthesis of vitamin D3 occurs in the body. तो समझ रहे हो? तो अगर आप sunlight में घूमेंगे तो आपके body में विटामिन D3 सिंथेसिस होगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इस तरह से ये आपका विटामिन्स बनाने में भी मदद करेगा। तो मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। बल्ले बल्ले ऑल विंडोज ये रहा, आप देख रहे हो, ये एक और एग्जांपल है। तो इसको सेव कर दिया जाए। ये कॉर्टिसोल है। कॉर्टिसोल क्या होता है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है। फाइन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहां से रिलीज होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये एल्डोस्टेरॉन है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ये एंड्रोजन है, मेल सेक्स हार्मोन। ये एस्ट्रोजन है, फीमेल सेक्स हार्मोन। तो दीज आर ऑल का ना, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेरॉइड ऑफ। देखो ये किससे बने हैं? कोलेस्ट्रॉल से। तो कोलेस्टेरॉल मॉडिफिकेशन, the examples of cholesterol modifications. So a derived lipid, because lipid se bana lipid, cholesterol se bana sex hormone. samajh rahe ho? To isliye
अगर आप कोलेस्ट्रॉल से भी बनते हो तो आप स्वतंत्र एक और एग्जाम्पल है डिराइव्ड लिपिड्स के, ठीक है। तो दीज हार्मोन्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, तो वैसे भी वो डिराइव्ड लिपिड है, एंड जो बना कोलेस्ट्रॉल से वो भी एक डिराइव्ड लिपिड है। अब आप इन दोनों चीजों को ध्यान दीजिए, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्राडियोल, सिर्फ यहाँ एक OH है, उधर एक डबल बॉन्ड है, तो बॉयज में कीटोन ग्रुप होता है, गर्ल्स में OH ग्रुप होता है। फाइन, सो ये आपका हो गया क्या, दीज आर स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स, स्टेरॉयड्स, ये सुनो, इसको आप स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स कह सकते हो, मैं लिख देता हूं यहाँ, दीज आर स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स, आपका सारा वीडियोस अपलोड हो गया, देख लेना, बिकॉज बहुत सारा हुआ नहीं था, फाइल चिल्ला रही थी, तो दीज आर स्टेरॉयड डेरिवेटिव्स विच आर ऑल्सो स्टेरॉयड्स, माने ये डेराइव्ड हैं, बट फिर भी वो एक स्टेरॉयड है, ओके? ये कोलेस्ट्रॉल से बना, उस लिहाज से स्टेरॉयड, एंड ये प्रोडक्ट भी रिंग अनचेंज्ड है, तो वो भी एक स्टेरॉयड है, क्लियर। बट हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल्स जिसमें रिंग बदल जाएगा, इंडिपेंडेंटली लाते हैं, तो एक और मैं सेव दिखाता हूं आपको, कहां गया, इधर देखा जाए, आप देखो ये सारे सेक्स, ये देख रहे हो, सो ये ऑल आर इंटैक्ट, देखो ये सब इंटैक्ट है, देख रहे हो, सो ये अर्गोस्टेरॉल है, अर्गोस्टेरॉल को क्या कहते हैं हम लोग, विटामिन क्या, डी टू, विटामिन डी टू, उठ जा, विटामिन डी टू, तापरे ये सब विटामिन वेराइट, देख रहे हो, इधर ऑल प्लांट स्टेरॉइड्स, प्लांट स्टेरॉइड है, एनिमल स्टेरॉल है। नाउ और एग्जांपल्स देखा जाए, कबड़ बंद करो, ये देखो, अब नाउ लुक हियर, लुक एट दिस थिंग, तो कोलिक एसिड में रिंग अनचेंज्ड है, देख रहे हो कि नहीं, कोलिक एसिड में रिंग अनचेंज्ड है, तो ऑल्सो ए स्टेरॉइड, ठीक है, देख रहे हो, इसमें रिंग नॉट एनी चेंज, रिंग इज इंटैक्ट, तो ये खुद स्टेरॉइड है, ओके, ये स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड, ये स्टेरॉइड है, तो दीज आर ऑल स्टेरॉइड्स, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिक एसिड। कोलिक एसिड क्या होता है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, क्या बाइल सॉल्ट्स बनाएगा, ठीक है। आप यहां देखिए, सी हियर, ये तो हॉर्मोन्स हैं बहुत सारे, ये भी जेसीआरटी नोट है मेडियर, जो आप लोग को नहीं चाहिए। अब यहां देखिए, दिस इज व्हाट, कैल्सिट्रायोल, कैल्सिट्रायोल इज आल्सो नोन एज विटामिन डी थ्री, ओके, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री, साइक्लोन आ गया, ओके, दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री, ओके, देख रहे हो, तो आप यहां देखिए, इज इट ए स्टेरॉइड और डेरिवेटिव, बोलिए, इज इट ए स्टेरॉइड और डेरिवेटिव, ये देख रहे हो, ये रिंग यहां टूट गया है, डेरिवेटिव, yes, घंटा भर का लग रहा है तुम लोग को, ये तो तुम लोग का सोडियम डेफिशिएंसी हो गया ऐसा लग रहा है मेरे को, फाइन, और ये मोल्टिंग हार्मोन है इंसेक्ट्स का, तो ये भी स्टेरॉइड, कितना चीज मैं आपको दिखा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पायल, है कि नहीं, तो देखो उतनी गुड़गल है ना इसके, तो आप समझ रहे हो, तो ये आपके अलग अलग तरीके के स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, क्लियर, एंड उसमें ये आपका स्टेरॉइड डेरिवेटिव है। नाउ सी हियर, देखो ये कैसे बन रहा है, दिस इज द सिंथेसिस, ये क्या दिखा रहे हैं हम लोग, C
सिंथेसिस ऑफ वो कैल्सिट्रायल. एक्चुअली दिस इज कैल्सिट्रायल जो मैंने बोला था ना, कैल्सिट्रायल. तो ये कैल्सिट्रायल है बेस्ट फॉर्म ऑफ विटामिन डी थ्री. तो देखिए ये आपका 7-dehydrocholesterol है. हमने क्या लिखा था, फाउंड इन द डर्मिस ऑफ स्किन. ठीक है, फाउंड इन द डर्मिस ऑफ स्किन. तुम लोग अभी, तुम लोग का व्यूअरशिप सबसे ज्यादा है ना, इसलिए आप लोग को थोड़ा ज्यादा पढ़ाया जाता है. बट बी 40 का उतना नहीं पढ़ाया जाता है, उनका व्यूअरशिप लेस है. तो अब जब जो जैसा करनी वैसा भरनी करेगा ना, क्या बोल रहे हो आप. देखिए ये यूवी लाइट क्या है, फ्रॉम सन. तो वहां से जब मिला तो आपका चेंज होके छोले कैल्सिफेरॉल बन गया. ओके, कोले है एक्चुअली, कोलेस्ट्रॉल से बनता है तो, बट मैं उसको छोले बोलता हूँ. ये विटामिन डी थ्री है, दिस इज मेड इन स्किन. तो ये आपके स्किन में बन के रहता है, फिर किडनी में ये यहाँ जाके मॉडिफाई होता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो विटामिन छोले कैल्सिफेरॉल जाएगा लिवर में, लिवर से किडनी में, एंड बन जाएगा कैल्सिट्रायल. तो व्हाट इज कैल्सिट्रायल, इट इज ए हार्मोन. ठीक है, तो ये एक्चुअली एक हार्मोन है. देख रहे हो कितने बढ़िया पाठ सब अच्छी. बट आप लोग क्या करोगे, सिर्फ वो कालू बुक चढ़ते रहोगे एंड एनसीईआरटी चढ़ते रहोगे. पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बस चलिए, बाकी आईक्यूसाइन पकड़ना आपको कराएंगे नहीं. ओके, आपका टाइम भी हो गया. ठीक है, सो वी विल मीट नेक्स्ट क्लास एंड विल स्टार्ट एमिनोसिड्स एंड प्रोटीन्स. आपका बाकी जो डिराइव्ड लिपिड्स है आप वैसे नाम पढ़ लीजिए. ठीक है, चलिए बाय.